व्यापारी के ट्रेड में नागपुर में टैक्स कम था, इंटरेस्ट रेट टैक्स ज्यादा होता था, तो सारे लोग डिलीवरी नागपुर दिखाते थे, भले माल भेजते थे यहाँ से। वो डिलीवरी तो कंसेप्ट ही खत्म हो गई कि डिलीवरी सारी की सारी विशाखापट्टनम में होगी या विजयवाड़ा में होगी पूरी, तो आंध्र प्रदेश वाले लगाएंगे पूरा आपको जीएसटी सीजीएसटी। वहाँ के जो आपकी ब्रांच है, आप ब्रांच बनाइए वहाँ पे, भले डीलर के प्लेस पे बनाइए, किसी के भी प्लेस पे बनाइए, तो वहाँ आपको थ्रेशोल्ड की जरूरत नहीं है, क्योंकि थ्रेशोल्ड जो भी है लिमिट आपकी 10 लाख या 20 लाख की जो लिमिट है, ये थ्रू आउट द इंडिया एक ही लिमिट है। आप महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है तो वहाँ पे विदाउट रजिस्ट्रेशन, विदाउट लिमिट आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको ख्याल में रखते हैं, आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ, ये स्लाइड देखिए आप। इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी, कंसेप्चुअली बता रहा हूँ मैं आपको, डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, डिटेल में आपको जब सेशन आएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट का, उसके अंदर में सब समझ लीजिए, तब तक आपके क्वेश्चन तैयार करते रहिए। आपने लोकल से परचेस किया तो आप एसजीएसटी और सीजीएसटी भर रहे हैं, आपने इंटरेस्ट रेट से परचेस किया तो आईजीएसटी भर रहे हैं, और इंपोर्ट किया तो बेसिक कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी भरेंगे। आईजीएसटी यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में होगी। अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपको आईजीएसटी भरना है तो उसका क्रेडिट आपको कैसे मिलेगा? लोकल का पूरा सीजीएसटी का एसजीएसटी दोनों का क्रेडिट मिलेगा, इंटरेस्ट रेट का आईजीएसटी का आईजीएसटी का पूरा क्रेडिट मिलेगा, और इंपोर्ट का जो है बीसीडी और आईजीएसटी आपने दिया, बीसीडी का क्रेडिट नहीं मिलेगा, आईजीएसटी का क्रेडिट मिलेगा। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल अदरवाइज देन इफ यूज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, टैक्सी वाले को मिलेगा आपको नहीं मिलेगा, भले बिजनेस के लिए आपने लिया हो। अब एक बार केस बना सकते हैं कि कंपनी के नाम से अगर आपने गाड़ी लिया तो वही इशू आ जाएगा कि कार इज यूज फॉर पर्सनल यूज और डायरेक्टर्स, ऐसे वाली बात आ सकती है, पर एक बार केस बन सकती है उसके लिए कि अगर कंपनी के नाम से आपने गाड़ी लिया, पर 90% केसेस के अंदर में कंपनी के नाम पे गाड़ी लेते नहीं। कमर्शियल व्हीकल तो मिल जाएगा, कमर्शियल व्हीकल पर मिल जाएगा, कमर्शियल व्हीकल फ्लैट क्रेडिट मिलता ही है कमर्शियल। फूड एंड बेवरेजेस आज लेते हैं वैट क्रेडिट, फूड एंड बेवरेजेस के ऊपर, आप होटल में जाके खाना खा के बिल ला के आपके बुक्स में दो, उसके पास में उसका आपका टिन नंबर लिखा क्या, वो आपके टिन नंबर जेबन में भरेगा, आपको क्रेडिट मिलेगा। आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, सॉरी लेडीज, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, क्लब मेंबरशिप, 90% क्लब मेंबरशिप इज यूज फॉर बिजनेस पर्पस, पर क्लब मेंबरशिप के ऊपर में आपको जीएसटी नहीं मिलेगी। हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर्स, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस में मिलेगा, इट इज फॉर द फर्दरेंस ऑफ, इट मे बी फॉर द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, इफ यू आर ट्रैवलिंग टू यूएस फॉर योर बिजनेस एंड यू हायर यू हैव अ ट्रैवल इंश्योरेंस ऑन विच यू पे द जीएसटी, यू वुड एबल टू गेट अ क्रेडिट ऑफ इट। कंपोजिशन डीलर से आप कुछ भी चीज खरीद रहे हैं आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्लियर सर? कंपोजिशन डीलर को 1% टैक्स लगता है, पर वो भी 1% आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। इफ ए डीलर हैज क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन अ टैक्स कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल असेट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, इनपुट टैक्स क्रेडिट विल नॉट बी अलाउड ऑन द सेड टैक्स कंपोनेंट, जो
बहुत पुरानी प्रोविजन है इनकम टैक्स के अंदर में, डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड की प्रोविजन है। सिमिलरली प्रोविजन यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट की प्रोविजन ला के रखी। ITC ऑन गुड सर्विसेज इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, अभी जो आपने क्वेश्चन किया था उसका ये है कि इफ इट रिजल्ट्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए इमोवेबल प्रॉपर्टी अदरवाइज देन एज अ पार्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, महाराष्ट्र सिंटेक्स एक्ट की प्रोविजन वैसे के वैसे उठा के इन्होंने यहाँ पे ली। नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को कभी ITC क्रेडिट नहीं मिलेगा, और कंसेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनल इनपुट टैक्स क्रेडिट इन सर्टेन केसेस में बताया मैंने आपको, एक बिजनेस नॉन बिजनेस एटसेट्रा उसका प्रोपोर्शनल रहेगा। जॉब वर्क के अंदर में भी कंसेप्ट है, ये आपको डिटेल इसके बारे में जब इनपुट टैक्स क्रेडिट का सेशन आएगा उसके अंदर में बताया जाएगा। आई हैव ऑलरेडी पास ऑन द इंस्ट्रक्शन टू द स्पीकर्स कि जो मैं छोड़ रहा हूँ वो आपको कवर करना। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाती है, पार्टनरशिप से प्रोप्राइटरीशिप, प्रोप्राइटरीशिप से या पार्टनरशिप से प्राइवेट लिमिटेड ये होगा, तो उसके आपके जो क्रेडिट के बैलेंस है उसका क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा, कोई चेंज नहीं होगा कंसेप्ट अभी की वैसी है। अब यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट कैसे हो सकता है इसके बारे में आप थोड़ा सा देखिए। CGST का जो पेमेंट है वो क्रेडिट आपको जो आया है उसको आप यूज कर सकते हैं फॉर पेमेंट ऑफ CGST और IGST। आप SGST के पेमेंट के लिए CGST यूज नहीं कर सकते। SGST का जो क्रेडिट है वो आप यूज कर सकते हैं SGST के लिए या IGST के लिए, और IGST का क्रेडिट जो है वो IGST, CGST और SGST में तीनों में यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली आप IGST के लिए कोई भी क्रेडिट यूज कर सकते हैं, CGST के लिए CGST एंड SGST के लिए SGST। दिस इन्वॉल्व अ सेपरेट अकाउंटिंग ऑफ ईच क्रेडिट एंड सेपरेट यूटिलाइजेशन ऑफ ईच क्रेडिट, जो आपको सेपरेट लेजर मेंटेन करने हैं। तीन अकाउंट लेजर अकाउंट बनाने पड़ेंगे, भले लेजर भले ही नहीं बनाए। यस मर्जर अमलगमसन द जीएसटी इज एप्लीकेबल, यस दैट विल आल्सो बी एप्लीकेबल। एक GSTN एक कांसेप्ट है, व्हाट इज GSTN? इट्स अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। दिस इज एन आउटसोर्स कंपनी, ए प्राइवेट कंपनी, मे बी UTI और समथिंग आर द स्टेक होल्डर्स इन दैट, बट इट इज अ प्राइवेट कंपनी एंड दिस कंपनी विल एडमिनिस्टर मोस्ट ऑफ द IT इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ GST, रिटर्न, रजिस्ट्रेशन, क्रेडिट लेजर्स, कैश लेजर्स, ऑल दिस थिंग्स विल देयर। कैश लेजर और क्रेडिट लेजर क्या फर्क है, कुछ आइडिया है आपको? क्रेडिट लेजर, सो दिस इज वॉन्ट कंटिन्यू द सेम ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। तो दिस इज ए GSTN, और GSTN के साथ साथ में गुड्स एंड सर्विस टैक्स सुविधा प्रोवाइडर्स भी बनाए गए हैं। ऑल ओवर इंडिया कुछ 34 अप्रूव किए हुए हैं, उनके थ्रू भी आप काम कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वी आर देयर ऑलवेज, ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर देयर ऑलवेज एज अ सुविधा प्रोवाइडर, नो इशू ऑन दैट। अब ये देखिए स्टॉक ट्रांसफर अंडर GST। आज के तारीख में आप फैक्ट्री से एक्सपोर्ट करते हैं, स्टॉक ट्रांसफर आप बेचते हैं, तो आप एफ फॉर्म देके आपको स्टॉक लगता है। कल ये स्टॉक ट्रांसफर बंद हो जाएगा, वन स्टेट टू अनदर स्टेट हो रहा है, स्टॉक ट्रांसफर बंद हो जाएगा, देन इट विल बी कॉल्ड एज ए सप्लाई
and you will have to pay the IGST. Of course, there you will be able to get it. अब इसका impact possible क्या हो सकता है, क्या possible interpretation हो सकता है, वो मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ. I am hopeful that department will not accept this kind of interpretation and they will go with the plain interpretation. आज अगर हमको export करना है माल, विशाखापट्टनम पोर्ट से हमको एक्सपोर्ट करना है फैक्ट्री नागपुर में, विशाखापट्टनम में हमारा CNF एजेंट बैठा है, हम माल उसको भेज देते हैं CNF एजेंट को, CNF एजेंट उसको ये करता है, इट इज ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ एन एक्सपोर्ट चेन, सो एक्साइज डिपार्टमेंट भी उसको टैक्स नहीं करती है और सेल्स डिपार्टमेंट भी टैक्स नहीं कर सकते. ये अगर CNF एजेंट या अपनी खुद की ब्रांच है वहाँ पे जो भी है, GST का पॉसिबल इंटरप्रिटेशन क्या है कि वन स्टेट टू अनदर स्टेट सेंट इट्स अ सप्लाई, पे हियर IGST, क्लेम देयर, दिस मे पॉसिबल, दिस इज अ पॉसिबल इंटरप्रिटेशन, सो दोज two possible will have to be looked into and I am hopeful that a proper clarification will come in time. Of course, Chief Commissioner has mentioned to me that if you have certain problems, certain issues coming out of the clinic, please send me on a mail so that we will try to cover it. Let us see, we will try to send it. E-commerce. हमारे यहाँ बहुत सारे है जो अमेजॉन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट के ऊपर में बेचते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्री, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे डीलर्स हैं, इनको थ्रेशोल्ड की जरूरत नहीं है फॉर GST रजिस्ट्रेशन. भले 5 लाख का टर्नओवर होगा, छोटा सा हैंडीक्राफ्ट बनाने वाला जो भी आदमी है 2-4 लाख का 5 लाख का टर्नओवर बनाता होगा, पर वो अपना माल कुछ ई कॉमर्स पे बेच रहा है, फ्लिपकार्ट के ऊपर में या अमेजोन के ऊपर बेच रहा है, ही विल हैव टू गेट कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ई कॉमर्स के लिए. दूसरा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की जो कंसेप्ट है वो ऐसे भी केस के अंदर में है. एक एग्जांपल देना चाहूँ, एक रद्दी वाले ने आके मेरे घर से रद्दी खरीदी, अब बताइए वो रद्दी वाला क्या कर रहा है, ही इज डूइंग ए बिजनेस and he has purchased the goods from me, I am non-registered, the reverse mechanism, he has to pay the tax, and if he has to pay the reverse mechanism tax, he has to obtain a compulsory registration. वो तो अलग वो होगा, उसको reverse charge में लगेगा पर उसको तो credit पे मिल जाएगा. compulsory registration की जरूरत नहीं है, ordinary रद्दी वाला है, कबाड़ी वाले जो भी है, आपके सवेरे जो आप देखते हो रद्दी सामान, पुराना सामान बेच दो, वो वाले भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के अंदर में आ सकते हैं. ये इंटरप्रिटेशन, डू वी हैव दैट कैपेसिटी टू मैनेज दैट काइंड. एक जमाने में सेंट्रल डिपार्टमेंट ने पान ठेले को रजिस्ट्रेशन करने के सेंटेंस को सेंटेंस के अंदर में नोटिस दिया था, क्योंकि आपका टर्नओवर 5,000 रुपये से ऊपर है, उस जमाने में 5,000 और आप टैक्सेबल सुपारी तो खरीद ही रहे जो 200-500 रुपये के खरीदते ही थे, तो आप लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन थी. अल्टीमेटली फाइनेंस मिनिस्टर ने इंटरवेंशन करके और उसको अंदर में बाद में उनको रजिस्ट्रेशन से माफ़ी दिया था. अगर ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन जो आ सकते हैं उसको अंदर में देखने की ज़रूरत है. ई कॉमर्स के ऊपर में जो भी आदमी बेच रहा है तो ई कॉमर्स पोर्टल को जो भी पैसा वो कलेक्ट करके वो बेचने वाले को दे रहा है उसके ऊपर में टैक्स कलेक्शन एट सोर्स आना पड़ेगा, TCS देना पड़ेगा, और वो TCS विल बी एडजस्टेबल अगेंस्ट माय लायबिलिटी ऑफ टैक्स पेड, और वो TCS अपलोड वगैरह करने का वो बात की बात. वैसे ही TDS की प्रोविजन इंट्रोड्यूस की है, अभी उसके बारे में रूल्स आने के बाद ही है, कि TDS के अंदर में ये बोला है
कि भाई गवर्नमेंट सप्लाई है कुछ ये है, तो उसके अंदर में वो टीडीएस की प्रोविजन हो सकती है इसके अंदर में। टैक्सेबल पर्सन, पहले समझ लीजिए कि नॉन टैक्सेबल पर्सन कौन है, बाकी सब टैक्सेबल पर्सन आते हैं। नॉन टैक्सेबल पर्सन मीन्स एग्रीगेट टर्नओवर बिलो स्पेसिफाइड लिमिट, जो स्पेसिफाइड लिमिट है 20 लाख रुपए फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विद इन ऑल अदर स्टेट एंड स्पेसिफाइड स्टेट के लिए 10 लाख रुपए। नॉन टैक्सेबल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, तो एम्प्लॉयर इज नॉट प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू हिज एम्प्लॉय और एम्प्लॉय इज नॉट प्रोवाइडिंग हिज सर्विसेज टू एम्प्लॉयर, बोथ। And on liable under RCM receiving services for personal use, मैं अगर किसी non taxable आदमी से use खरीद रहा हूँ, कुछ personal services वगैरह जो ले रहा हूँ, या personal use के लिए एक salaried class का employee है वो अगर ले रहा है किसी से, तो he is not liable for reverse charge mechanism because he is using those services for personal use, but goods and services purchased for business use will be liable for reverse charge. Other than that, jiski bhi limit 10 lakh ke upar ho jati hai, he would be liable supply jo hai, sale, transfer, barter, this is new addition. Barter aaj tak kabhi sale mein count nahi hota tha. Lease or disposal मेड फॉर कंसिडरेशन विथ फ्यू एक्सेप्शन, विदाउट कंसिडरेशन भी कुछ आएंगे जो मैंने बताए थे आपको कि स्टॉक ट्रांसफर वगैरह उस टाइप के, मेड इन फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस विथ फ्यू एक्सेप्शन अगेन, एंड देन इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज वेदर और नॉट फॉर द कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ सप्लाई बिजनेस इज अ सप्लाई, दिस ऑल इज अ सप्लाई एंड सप्लाई इज टैक्सेबल। Taxable event, goods and services supplied without consideration for furtherance of business. Business asset put to non-business use, ये बड़ी important concept है। हमारे यहाँ discarded asset आती है company के अंदर कई जगह, it is put to non-personal use, it will be supplied. Barter, exchange transaction and branch transfer all will be considered as a taxable event extended. कुछ प्रोविजन सप्लाई के अंदर में आपको देखने हैं, गुड सेंट ऑन अप्रूवल, इसकी कंसेप्ट बड़ी अलग है क्योंकि सप्लाई के साथ में टाइम क्या होगा, आपने माल भेजा, if you approve then only the tax is required to be paid, then only it will be a supply completed, otherwise not. तो इसका वो कंसेप्ट है, आपको वो देखेंगे जिस समय हम सप्लाई को डिस्कस करेंगे। सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंदर में पॉइंट ऑफ टैक्सेशन के हिसाब से इशू आएगा कि कब हमारी सप्लाई ऑफ सर्विसेज कंप्लीट होती है, कहाँ पे होती है, क्या होती है, वो भी आपको देखना है। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस एक रिटर्नरशिप है, कंटिन्यूस ईयरली फीस होती है, वो कंटिन्यूस सप्लाई है, तो उस समय पे कौन सा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन आता है ये जरूरी है हमको देखने का। रिवर्स चार्ज फॉर सप्लाई, इम्पोर्ट है ये है उसके अंदर में हमको रिवर्स चार्ज के ऊपर में लाइबिलिटी आती है, ये भी हमको देखने का है। और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, हर बजट के साथ में रेट चेंज होता है, बदलता है, तो ये बजट को हमारी सर्विस या गुड्स ये रेट में थी, उसको बाद में सप्लाई किया, अप्रूवल के ऊपर में भेजा था माल पहले और बाद में रेट चेंज हो गया, उसमें क्या रेट ऑफ टैक्स होगा, ये भी एक कंसेप्ट नई डेवलप की है इसके अंदर में जो हमको देखनी है। वैल्यूएशन बाय एंड लार्ज क्या होगा, योर ट्रांजैक्शन वैल्यू विल बी कंसिडर फॉर द पर्पज ऑफ लेवी ऑफ टैक्सेशन बाय एंड लार्ज नॉर्मल कोर्स,
But if that supply is to a related person, then the valuation rule will apply. Otherwise, valuation rule will not apply. Normal course में जो भी आज excise में भी वही होता है कि अगर हमारी transaction value non-related person को है तो जो भी value है उसके ऊपर में excise लगती है. Similar kind of provisions are there and it will work. इसमें एक और important चीज है. Consideration not only in a money, it could be partly in money and partly without consideration also, or could be for some other purpose. Barter में भी आ सकता है. जैसे आज हमारे यहाँ पे कई बार होता है, पुराना फ्रिज दो नया फ्रिज लो, 5,000 रुपये कम डिस्काउंट में कम होगा, तो कंसिडरेशन क्या होगा उसे? 25,000 का फ्रिज है, पुराना फ्रिज दिया तो आपको 20,000 में मिलेगा, टैक्स कितने पे देना पड़ेगा? 20,000 पे देना पड़ेगा, 25,000 पे? अभी तो 20,000 पे देते हैं, कल 25,000 पे लगेगा. तो जब वो पुराना फ्रिज बेचेंगे तब भी लगेगा? वो तो उसको लगेगा, वो उसको लगेगा क्योंकि उसने यूआरडी से परचेस किया है, तो उसको 5,000 के ऊपर में रिवर्स चार्ज भी लगेगा. बता रहा हूँ मैंने 5,000 का फ्रीज दिया है फ्रीज सप्लायर, और फ्रीज सप्लायर ने मेरे से 20,000 रुपये लिए, ठीक है? तो 5,000 रुपये जो उसने लिया है, तो 5,000 रुपये के ऊपर में रिवर्स चार्ज में उसको पहले टैक्स भरना पड़ेगा यूआरडी, और जो मेरे को टैक्स लगाएगा वो 25,000 रुपये लगाएगा. और फिर वो 5,000 का फ्रिज जो 7,000 में बेचेगा बाद में पब्लिक को, तो 7,000 का टैक्स लगेगा, और ये 5,000 का जो रिवर्स चार्ज का टैक्स लगाया वो उसको क्रेडिट लगेगा. सर, ये जो रिलेटेड पार्टी का है एडिशन का, अगर जैसे ए कंपनी और बी कंपनी है एंड एक्स है जो शेयर होल्डर दोनों में है, और एक्स कंपनी अगर ए कंपनी बी कंपनी को सप्लाई करती है, तो उसके इसमें रिलेटेड सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की मैन रिटर्न्स बनने हैं आपको. रिटर्न्स प्रैक्टिकली आपको हर आदमी को 3 रिटर्न भरने हैं. ये अगेन कंसेप्ट वाली बात रहा हूँ. आउटवर्ड सप्लाईज का रिटर्न भरना है, तो आपका महीना कंप्लीट हुआ कि जितना आपने सप्लाई बाहर भेजा है आपके यहाँ से, उसका रिटर्न 10 तारीख के पहले भरने का है. 10 तारीख से 15 तारीख के बीच में कोई भी आउटवर्ड सप्लाई का रिटर्न एक्सेप्ट नहीं होगा, समझे आप? आउटवर्ड सप्लाई का रिटर्न अगर आप बोलेंगे कि मैं 11 तारीख को फाइल करता हूँ, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा जीएसटी के. तो इन टाइम नहीं है तो सामने वाले का इनपुट टैक्स क्रेडिट गया. पेनल्टी लगेगी? पेनल्टी तो लगनी लगनी है, पर सामने वाले का इनपुट टैक्स क्रेडिट गया ना. वो अगले वो उसको क्या करने का है, वो इस साल में नहीं रिटर्न भर के और अगले महीने में भरो, ऐसी वाली. उसके बाद आपको दूसरा भरना है इनवर्ड सप्लाई का रिटर्न. ये 10 से 15 के बीच में ही भरना है आपको. तो होगा क्या कि ये 2 रिटर्न आपने भरे, तो वो जो GSTN है वो कैलकुलेट करेगा कि आउटवर्ड सप्लाई पे आपको कितना टैक्स भरना है, IGST भरना है, CGST भरना है, SGST भरना है, और इनवर्ड सप्लाईज के ऊपर में आपको कितना ITC मिलना है वो भी कैलकुलेट करेगा. और जो आपने इनवर्ड सप्लाईज दिखाई है वो आपके सप्लायर ने आउटवर्ड सप्लाई दिखाई है कि नहीं, ये टैली करेगा. और उसमें कोई मिसमैच आता है तो उतना ठोक देगा आपको पहले, तो जो आपका J1 J2 मिसमैच आज क्यों चल रही है. कंसेप्ट सिमिलर कंसेप्ट एंड इट हैज बीन एक्सेप्टेड फ्रॉम महाराष्ट्र ओनली इन द GST एक्ट. महाराष्ट्र इज ए सोर्स फॉर दिस काइंड ऑफ. तो ये 2 सप्लाई करने के बाद में आपको तीसरा रिटर्न भरना है, इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाईज एंड ITC टैक्स पेमेंट. ये तीसरा रिटर्न भरना है आपको 20 तारीख के पहले. तो आपको 3 डेट फाइनल करनी है, 1 से 10,
11 से 15 और 15 से 20, 20 के बाद में अगर आपने रिटर्न भरा तो सप्लायर अगले टाइम आपको ऑर्डर ही नहीं देता, आपका परचेसर आपको ऑर्डर ही नहीं देता बेस पे। तो ये भी एक कंसेप्ट आपको देखनी है, TDS रिटर्न, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर रिटर्न, कंपोजिशन रिटर्न, बहुत सारे रिटर्न है उसको नहीं देखते हैं। नो रिवाइज रिटर्न, नो रिवाइज रिटर्न। आप चित्रगुप्त हो साहब, आप चित्रगुप्त ने कभी कोई गलती किया है क्या आदमी को उठाने के लिए? वो तो चित्रगुप्त लिखेगा ना आपको उठने का है कि नहीं। नो रिवाइज रिटर्न, वॉट यू कैन डू इज नॉट मैनिपुलेट, वॉट एवर इज देयर यू कैन डू इट इन नेक्स्ट रिटर्न, वॉट एवर इज डिफरेंस एटसेट्रा, इशू द डेबिट नोट, ट्रेड नोट एटसेट्रा एंड मेक इट इन नेक्स्ट। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड मैं नहीं दूंगा आपको अभी, असेसमेंट के लिए भी मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, काफ़ी टाइम हो चुका है। ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज भी हैं, अपील्स, एडवर्टाइजिंग वगैरह, उसको ये एडवांस बुकिंग वगैरह कोई ज़रूरत नहीं है अभी, हमारे को ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। इंटरेस्ट रिफंड अंडर GST बाय लार्ज रिफंड नहीं मिलेगा, कुछ सर्कमस्टेंसेस में मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड, अगर आपका रिफंड मिलना है तो उसमें 90 दिन के ऊपर का रिफंड लेट हो गया तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा सेम रेट जिसमें मिल रहा है। रिवर्स चार्ज, GST कंप्लायंस रेटिंग, ये बड़ी एक कंसेप्ट है जो आपको समझनी है। वो जो GSTN है और सरकारी डिपार्टमेंट, ये मिलके हर सप्लायर का या हर डीलर का GST रेटिंग तय करेंगे, मे बी ABCD EF और 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, व्हाट एवर द केस में, विच वुड बी ए टॉप कंप्लायंट, विच वुड बी ए लीस्ट कंप्लायंट, ऐसे उसके अंदर में बनाएंगे। एंड दैट विल बी अवेलेबल इन अ पब्लिक डोमेन, दैट विल बी अवेलेबल इन अ पब्लिक डोमेन एंड इट विल रिवाइज टाइम टू टाइम। तो अब आपके पास में एक हथियार है कि आप जब परचेस कर रहे हैं तो पहले वेबसाइट पे देखिए कि ये GST कंप्लायंट डीलर की इसकी रेटिंग क्या है जिससे परचेस कर रहे हैं। उसकी अगर लोएस्ट आ रही है तो प्लीज डोंट परचेस, क्योंकि आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, या फिर आपका क्रेडिट का उसका संभाल के चलिए कि क्रेडिट हमको नहीं मिलेगा, नुकसान होगा, फिर भी हमको सस्ता पड़ रहा है तो खरीदो, इसमें पड़ता आपको देखना है। तो GST कंप्लायंट रेटिंग की एक कंसेप्ट वहां पे है, ये कंप्लायंस रेटिंग रहेगी। प्रिपरेशन ऑफ ऑल GST, एक 5 मिनट का स्लाइड में इसमें दूंगा, बस विल कंक्लूड। GST प्रिपरेशन के लिए क्या करने का है, रजिस्ट्रेशन एंड माइग्रेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग लॉ। 80 लाख डीलर में से 60 लाख डीलर तो ऑलरेडी माइग्रेट हो चुके हैं, पर फिर से शायद विंडो खोल रहे हैं 1 जून से, तो ऑल शुड माइग्रेट फ्रॉम द VAT रजिस्ट्रेशन और सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन और एक्साइज रजिस्ट्रेशन टू द GST माइग्रेशन, रजिस्ट्रेशन करने का, ये माइग्रेशन प्रोसेस है। और माइग्रेशन प्रोसेस के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन फिर से करना है, रजिस्ट्रेशन तो करना ही है, उसके लिए आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो देने हैं देने हैं। उसके बाद जो भी परचेस आप खरीद रहे हैं, प्लीज सी दैट यू हैव एन एक्साइज इनवॉइस, क्योंकि VAT का इशू नहीं रहेगा। VAT का तो जो भी लगा लग के आया होगा, हर ट्रेडर VAT लगा के देता है, तो VAT का क्रेडिट आपको सबको मिल जाएगा, VAT के क्रेडिट में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। पर एक्साइज इनवाइस अगर आपके पास में नहीं है, और 90% केसेस के अंदर में, जो 90% नहीं तो भी 75% केसेस के अंदर में एक्साइज इनवाइस नहीं आता, अनलेस इज एन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के अंदर में तो आता है, बहुत सी जगह आता है जहाँ पे एक्साइज पेइंग इंडस्ट्री है वहाँ पे एक्साइज इनवाइस आता है, पर अदर केसेस में एक्साइज इंडस्ट्री नहीं आता।
एक्साइज इन्वाइस लेने का फायदा क्या होगा, ट्रांजिशनल प्रोविजन के अंदर में आएगा आपको। आज अगर आपके पास कोई क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, आपके पास एक्साइज इन्वाइस है, तो उसमें जितनी भी एक्साइज लगी है उसका पूरा क्रेडिट आपको मिलेगा। अगर एक्साइज इन्वाइस नहीं है तो आप जो सेल करेंगे उस प्रोडक्ट का, उसके ऊपर में जो जीएसटी लगना है, जीएसटी कंपोनेंट जो रहेगा उसमें, उसका 40%। एक्सप्लेन, लेट अस स्पीक। आपने 100 रुपये का माल लिया, 100 रुपये का माल आपने 200 रुपये में बेचा, 18% टैक्स से समझ लीजिए, तो आपको 36 रुपये टोटल जीएसटी लग गया उसमें। जीएसटी में सीजीएसटी कंपोनेंट कितना है, 9%, तो 18 रुपये सीजीएसटी कंपोनेंट हुआ, 18 रुपये का 40% आपको मिलेगा, 18 रुपये का 40% आपको मिलेगा। अदरवाइज अगर वो 100 रुपये के अंदर में आपका जो भी लगाए, 12 रुपये 13 रुपये जो भी लगा होगा एक्साइज का, वो पूरा का पूरा आपको मिलेगा। तो प्रिपरेशन के हिसाब से ये देखिए कि आप जो भी स्टॉक आपके पास में है, दूसरी प्रिपरेशन आप ये करिए कि जो भी स्टॉक आपके पास में रहने वाला है उसका 1 साल पहले तक का पूरा डिगिंग आउट करके इन्फॉर्मेशन निकालिए, क्योंकि आपको क्रेडिट किसका मिलना है कि जो स्टॉक आपने पिछले 1 साल में खरीदा है, 1 साल के पहले का खरीदा हुआ स्टॉक है, तो उसके ऊपर में आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। ट्रेडर के केस में कैसे होगा ये बड़ा सोचने वाली बात है, 90% किराना दुकानदार के अंदर में कैसे होगा या प्रोविजनल स्टोर में कैसे होगा, ये सोचने वाली बात है, पर आपको ये करना पड़ेगा अगर क्रेडिट लेना है। जब हमारा वैट आया था तो वैट के अंदर में बड़ी सिंपल प्रोविजन किया था उन्होंने कि आप स्टॉक डिक्लेयर कर दो, आपके पास इन्वाइस है या नहीं है, 75% के ऊपर में आपको वैट का कंपोनेंट जितना है उसके ऊपर में दे देंगे। वही मैंने जब ये बताया कमिश्नर साहब को, बोले हम लेंगे करके इसको प्रोविजन, उन्होंने कहा है। क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 30/6/2017, हम डेट पकड़ के चल रहे हैं 1 जुलाई 2017 जीएसटी, इसलिए 30/6/2017 का एज मिनिमम एज पॉसिबल रखिए, और जो भी आपके पास में स्टॉक रख रहे हैं उसका एक्साइज इनवाइस रखिए, बहुत ज़रूरी, अदरवाइज यू वुड बी एट ए ग्रेट प्रॉफिट। एक्साइज इनवॉइस में सेपरेटली एक्साइज चार्ज रहेगा? हाँ, वो तो डेफिनेटली एक्साइज इनवॉइस में, जैसे डीलर है उसमें कोई भी एक्साइज इनवॉइस में सेपरेटली चार्ज ही रहेगा उमेश? नहीं, जैसे डीलर का इनवॉइस है हाँ, तो उसमें भी देता है ना वो एक्साइज इनवॉइस, वो अलग से चार्ज नहीं करते, एज ए इंफॉर्मेशन जो देते हैं। हाँ, तो वो इंफॉर्मेशन ही आपकी एक्साइज इनवॉइस हो गई ना, दैट इटसेल्फ इज अ फर्स्ट स्टेज डीलर इनवॉइस जो है, दैट फर्स्ट स्टेज डीलर इनवॉइस विल बी सफिशिएंट। उसके अंदर में नीचे देते ही कितना ओरिजिनल ट्रांजैक्शन में कितना एक्साइज ड्यूटी भरा हुआ है। लेकिन सर उसमें एक्साइज में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है या ना होना जरूरी है? ऐसा है कि आपको अगर रजिस्टर, आपको फर्स्ट स्टेज डीलर अगर आपको इनवाइस देना है जी, तो आपको एक्साइज रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इसलिए आपके जितने डेपो है, जहाँ पे भी सेल डेपो है, उनको एज पर एज पॉसिबल एक्साइज में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। तो आपका आएगा ना, फर्स्ट डे सेकंड डे डीलर के इन्वॉइसेस आएंगे ना एक्साइज, हाँ, तो स्टॉक ट्रांसफर भी रहेगा तो एक्साइज इन्वॉइस तो आ सकता है ना, उसके लिए कंसाइनमेंट नोट भी आया तो भी एक्साइज इन्वॉइस तो आ सकता है ना उसके लिए। एनीवे, डिजाइन अकाउंटिंग प्रोसीजर, आपको आपके अकाउंटिंग प्रोसीजर ठीक करना है, कुछ सॉफ्टवेयर रेडीली अवेलेबल है, बाहर भी एक रेडीली अवेलेबल है, राइट आउट सिस्टम वाले कुछ बता रहे हैं उनको, है ना सर? क्लोजिंग स्टॉक अपना जो रहेगा 1 जुलाई से जीएसटी लागू हो जाएगा, बैक साइड वन ईयर देंगे तो 3 महीने ही बैठ जाएंगे कि उसके पीछे बैठ जाएंगे? नहीं नहीं सर, 1 साल तक, 1 साल, 1/4 से तो 1/4 से तो मिनिमम चालू हो गया, हाँ 3 महीने जाएंगे बैक, उसकी वैल्यू आपके पास में जो भी स्टॉक है
वो कब का है कि एक महीने बैक एक साल बैक तक जा सकते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट 30 जून 2016 के बाद की जो भी परचेस है और जो 30 जून 17 के स्टॉक में आपके पास में है उसका आपको क्रेडिट मिल सकता है। अब जीएसटी के आपके प्रोडक्ट के ऊपर में क्या इंपैक्ट होता है ये असेसमेंट कर लीजिए आपके पास खुद आपके इंटरनल मार्केटिंग टीम कर सकती है जो भी है वो कर सकते हैं। सिस्टम डिजाइन आपको करनी पड़ेगी, स्टेशनरी प्रिंटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि सबको जीएसटी नंबर देना पड़ेगा, जीएसटी नंबर देने के बाद में उसका डिजाइनिंग पूरा करना पड़ेगा, स्टेशनरी प्रिंटिंग आपको करनी पड़ेगी क्योंकि अगर आपका जीएसटी नंबर अगर नहीं रहेगा उसके ऊपर में तो सामने वाला आपसे परचेस ही नहीं करेगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा इसलिए परचेस नहीं करेगा आपसे। रजिस्ट्रेशन लेने का है और कंसल्ट योर एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी इनिशिएटिव। आज आज के रूल में तो आया नहीं है, ड्राफ्ट रूल में आया नहीं, बाद में आते हैं। तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। वो 50% आपको कैरी फॉरवर्ड मिल जाएगा। सर स्टोर आईडी है तो आईडी है मेरे को 15 जुलाई से स्टोर आईडी है। यस फ्रॉम द हॉल सेकंड हॉल समबडी वांट टू आस्क अमोग अमोग विल कोऑर्डिनेट अमोग काइंडली कोऑर्डिनेट। यस सर। सर मैन्युफैक्चरर के लिए स्टॉक मिनिमम रखना कंपलसरी मतलब एडवांटेजेस रहेगा कि उस पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा? नहीं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्टॉक जहां तक आप एक्साइज केट पास के साथ में या एक्साइज इनवाइस के साथ में स्टॉक रख सकते हैं आप कितना भी रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो बगैर एक्साइज इनवाइस के आपके पास में जो स्टॉक रहेगा उसको आप जितना मिनिमम रखोगे उतना फायदा। एज ए कॉन्ट्रैक्टर वी आर परचेसिंग सीमेंट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर बोथ। सर एज ए कॉन्ट्रैक्टर वी हैव टू परचेस सीमेंट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और अ ट्रेडर। इन दिस केस जस्ट वी हैव टू कैरी फॉरवर्ड इनपुट क्रेडिट्स देन व्हाट विल बी बेनिफिशियल इन के इफ यू परचेस फ्रॉम ट्रेडर्स the 40% there will be not be carry forward. Yes, if you purchase from manufacturer you will get a full or from a trader also if he is in a position to issue the excise invoice. Okay, thank you. Yes, here any question? Sir ये एक जुलाई से एक्साइज इनवॉइस का फॉर्मेट चेंज होने जा रहा है मैन्युफैक्चरर का? अभी कोई एक्साइज इनवॉइस रहेगा ही नहीं एक जुलाई के बाद में, जो भी रहेगा जीएसटी इनवॉइस रहेगा। फॉर्मेट फॉर्मेट का कोई ऐसी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है जो मैंने अभी बताया आपको, फॉर्मेट तो वही रहेगा जीएसटी एंड आपको सेपरेटली लगाना है जीएसटी उसके अंदर में जो भी है सप्लाई कोई उस समय स्थिति में क्या करना पड़ेगा? आप टैक्स को रिवर्स चार्ज करके रिवर्स मैकेनिज्म करके वो कर लीजिए, रिवर्सल कर सकते हैं। सर व्हाट हैपेंस टू प्रोफेशनल टैक्स? Professional tax will continue, it will not go. अरे आवाज नहीं आ रही यार बिटवीन टू पार्टीज
same transaction corporate. What you are talking about corporate office, not corporate. Corporate office. Then supply to sell within the state is not a service or not a taxable service. Suppose yourself, well, and I have a head of unit in the Chennai. Yes. And there are many states that there have a unit on the branch. Yes. But some of the cases, corporate is taking the strategic decision for yes. the betterment of the unit. Yes. So in that case, corporate whether is the service. Yes, it would be service. Hello. 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 Session is continuing among. Yes. Sir, direct export में duty nil है. But merchant export में इसमें कैसा रहेगा? Merchant export के अंदर में आपको पूरा GST लगाना पड़ेगा. Merchant को आपको GST का credit मिलेगा और merchant export जो करेगा उसके अंदर में nil आएगी duty. तो अभी at present जैसा CT1 देता है. CT1 और H form जो आता है वो खत्म हो गए. अच्छा. Thank you. Yes. Sir, there is one more question. One second. अभी कोई provision नहीं है उसके बारे में. उसका भी एक representation गया हुआ है. उसका भी एक representation गया हुआ है भी ऐसे कि उसके लिए भी आप consideration करें. नहीं, उसके लिए 40% नहीं है. वो तो state government का tax है ना. और वो state को मिला है. अब मध्य प्रदेश से माल खरीदा है तो सीएसटी मध्य प्रदेश में लगाया रहा है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को मिला है. महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसका डिफरेंट टैक्स देगा. कंसेप्चुअली यस, देयर वाज वन क्वेश्चन फ्रॉम कॉल. सर, हम ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर हैं. सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड है, एक्साइज में रजिस्टर्ड नहीं है. तो एक्साइज का बेनिफिट हमको मिलेगा क्या? एक्साइज का बेनिफिट मिलता है ना, आज भी मिलता है और कल भी मिलेगा. नहीं, हम एक्साइज में रजिस्टर्ड नहीं है. तो एक्साइज के अंदर में नहीं भी है तो भी आपके पास में एक्साइज इनवॉइस है और व्हिच इज अ गुड परचेस बाय यू फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज. या यू गेट अ सेंडवेट क्रेडिट. ओके सर, थैंक यू सर. सर, जैसे कि अभी सर्विस टैक्स के अंदर में रेलवे एग्जेम्प्टेड है, रेलवे के ऊपर सर्विस टैक्स नहीं लगता रेलवे के जो काम करते हैं. हाँ. तो अभी जीएसटी में क्या होगा? रेलवे एग्जेम्प्शन कहाँ से है? सर्विस टैक्स कोई एग्जेम्प्शन नहीं है. आप अगर रेलवे को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, रेलवे का जो काम करते हैं. हाँ. उसको सर्विस टैक्स नहीं लगता. एग्जेम्प्शन कहाँ पे है? निगेटिव लिस्ट में है सर. हाँ ठीक है, निगेटिव लिस्ट में अगर यहाँ पे अगर आपके पास में टैक्स नहीं है तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा. आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा. ऐसे काफ़ी गवर्नमेंट कंपनीज है जहाँ पे सर्विस टैक्स अप्लाई नहीं होता, उनको सिर्फ आज से बनाई दी जाती है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो दे विल सेम कंटिन्यू द सेम थिंग विल कंटिन्यू दैट सप्लाई ऑफ सर्विस करता है. सर, एक चीज़ और है, जैसे वहाँ जिनको पावर जनरेटिंग यूनिट्स है उनको आज भी वैट, तो वही प्रोडक्ट हम किसी और को भेजते हैं 13.5% नहीं है. तो अभी तक तो है नहीं है, अभी भी नहीं. ओके, ठीक है. तो उनको क्रेडिट उतने का ही मिलेगा आगे का 5%. एवरीथिंग विल बी एट द सेम रेट. कोई एग्जेम्प्शन आज के तारीख में नहीं है. कल प्रोवाइड करें स्टेट गवर्नमेंट से बात करना. इम्पैक्ट तो हर जगह, इसलिए बोला इम्पैक्ट आप आपके प्रोडक्ट के दो. Listen. So now the mute question which is there, will GST benefit the industry and trade? Answer to that is, GST would be beneficial to and is in a larger interest of the industry and trade by providing a simple, more comprehensive and wider coverage of input tax credit and by subsuming a majority of the indirect taxes within its ambit. Consequent to elimination or reduction in the cascading effects of the taxes, the system would become a more transparent and self-policing. Further, to the exchequer, it will widen their tax base, provide better tax compliance, and may lead to reduction in the tax burden on all dealers at large
in the industry and trade provided tax compliance is made simplified, and that's why the commissioner said that GST is a win-win situation for everyone. Thank you very much for your attention.